श्री महाभारते खिल्ल भागे। शीततमो अध्याय षटपुरवासी सुरों का संक्षिप्त परिचय, उन्हें ब्रह्मा और भगवान शिव का वरदान। जनमेजय ने कहा, धर्मज्ञ व्यास शिष्य तपोधन वैशंपायन जी, आपने पारिजात हरण के प्रसंग में षटपुर की चर्चा की थी। तपोधन, आपने कहा था कि वह नगर बड़े बड़े भयंकर असुरों का स्थान था। मुनिश्रेष्ठ, आप उन षटपुर निवासी दैत्यों तथा अंधका सुर के वध का वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वीर अनायासी समस्त कर्म करने वाले रुद्रदेव के द्वारा जब दैत्यों के तीनों पुरों का विनाश किया गया, उसमें वहां बहुत से प्रधान प्रधान असुर शिरोमणि शेष रह गए। वे त्रिपुर निवासी होने पर भी रुद्रदेव के बाणों की आग से दग्ध नहीं हो सके। उनकी संख्या लगभग 60 लाख थी। उन असुर वीरों ने पूर्व काल में अपने बंधु बांधवों के वध से संतप्त होकर के महर्षि गणों से सेवित तथा सात पुरुषों के प्रिय जम्बू मार्ग में जाकर के तपस्या आरंभ की। निवशेष्ट, वे वीर दैत्य सुर की ओर मुंह करके वायु के आहार पर रहकर के 1 लाख वर्षों तक कमल योनि ब्रह्मा जी की स्तुति करते रहे। उन दैत्यों में एक दल ऐसा था जो गुलर के वृक्ष का आश्रय लेकर के रहता था। वे वीर दैत्य वहां महान तप करते हुए निवास करते थे। पूर्व काल में उन दैत्यों में से कुछ लोग कपित्य अर्थात कैथ वृक्ष का आश्रय लेकर के वहां रहते थे और दूसरे सियारों की मांदों में रह करके वहां उग्र तपस्या करते थे, अथवा शिगाल नामक वृक्ष शेष की वाटिकाओं में रह करके तपस्या करते थे। कुछ असुर कुमार वट वृक्ष की जड़ में रहते और उस वृक्ष पर चढ़ करके पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए तपस्या करते थे। कुछ काल के अनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ प्रजा श्रेष्ठा देव शिरोमणि पिता में ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट हो उन्हें वर देने के लिए वहां आए। कमल योनि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, वर मांगो। तब उन्होंने भगवान त्रिनेत्रधारी रुद्र से द्वेष रखने के कारण वरदान लेने की इच्छा नहीं की। कुरुकुल को आनंद प्रदान करने वाले कुरुनंदन, वे रुद्र देव से बदला लेकर के उनके द्वारा मारे गए अपने भाई बंधुओं के ऋण से ऋण होना चाहते थे। तब सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जो संपूर्ण जगत के कर्ता और संहर्ता हैं, उन महात्मा भगवान शंकर से बदला लेने में कौन समर्थ है? इस विषय में तुम्हें व्यर्थ श्रम नहीं उठाना चाहिए। उमा सहित महेश्वर देव आदि मध्य और अंत से रहित हैं। उनसे द्रोह रख करके जो असुर स्वर्ग में सुख पूर्वक रहना चाहते थे, उन दुरात्मा महान असुरों ने तो वर लेने की इच्छा नहीं की। परंतु राजन, जो दूसरे असुर भव्य भावना से संपन्न अर्थात दूरदर्शी अथवा भगवान शिव की महिमा के ज्ञाता थे, उन्होंने वर लेने की अभिलाषा व्यक्त की। जिन दुरात्माओं ने वर लेने की इच्छा नहीं की, उनसे पिता में ब्रह्मा ने फिर कहा, वीर असुरो, तुम भगवान रुद्र पर क्रोध प्रकट करने के सिवा दूसरा कोई भी वर मांग लो। तब उन्होंने कहा, विभो, इस सब देवताओं के लिए हम सब देवताओं के लिए वध्य हों। देव, पृथ्वी के भीतर हमारे 6 पुर हों। प्रभु, हमारे वे 6 पुर संपूर्ण मनवांछित पदार्थों की समृद्धि से संपन्न हो। भगवान, हम षटपुर में जाकर के सुखपूर्वक निवास करें। तपोनिधि, जिन्होंने हमारे बंधु बांधवों को मार डाला है, उन रुद्रदेव से हमें उग्र भय प्राप्त ना हो, क्योंकि त्रिपुरों का विनाश दे करके हम भयभीत हो गए।
पिता मैं बोले, असुरो तुम देवताओं तथा भगवान शंकर के लिए अवध्य हो जाओगे, परंतु तो ऐसा तभी होगा जब तुम सन्मार्ग पर सुस्थिर रहने वाले सत्पुरुषों के प्रिय ब्राह्मणों को बाधा नहीं पहुंचाओगे। यदि मोहवश किसी तरह ब्राह्मणों की हत्या करोगे तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि ब्राह्मण जगत के परम आश्रय हैं। ब्राह्मणों का अहित करने वाले पुरुष को भगवान नारायण से डरना चाहिए, क्योंकि वे भगवान जनार्दन समस्त भूतों के प्रति हित बुद्धि रखते हैं। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी के विदा होने पर वे असुर चले गए तथा जो दूसरे असुर धर्म चरण में तत्पर रहने वाले और महादेव जी के भक्त थे उन्हें त्रिपुर मीनाक्षी भगवान महादेव जी ने उमा सहित श्वेत वृक्ष पर आरूढ़ होकर के अपने पार्षदों के साथ आ स्वयं ही दर्शन दिया तथा सत्पुरुषों के आश्रयभूत उन भगवान शिव ने उन असुरों से इस प्रकार कहा, असुर शिरोमणि तुमने वैर दंभ और हिंसा का प्रत्याग करके जो केवल मेरा ही आश्रय लिया है इससे मैं तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वर प्रदान करता हूं। जिन सत्कर्म प्रायण ब्रह्म ऋषियों ने तुम्हें मेरी भक्ति की दीक्षा दी है उनके साथ ही तुम सब लोग स्वर्ग लोक में चले जाओ। मैं तुम्हारे सत्कर्म से बहुत प्रसन्न हूं। जो ब्रह्मवादी तापस इस कपित्थ वृक्ष के पास निवास करेंगे वे कपितिथ कहलाएंगे और उन्हें मेरे समान लोक प्राप्त होगा। तपोधनो, जो मनुष्य अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वानप्रस्थ विधि से मेरी पूजा करता हुआ यहाँ निवास करेगा वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पालेगा तथा विधि पूर्वक 3 रात तक निवास करने से उसको मनोवांछित गति की प्राप्ति होगी। अर्कद्वीप में निवास करने वाले जो उनसे दूना फल मिलेगा, परंतु दूर देश में निवास करने पर तुम्हारा भला नहीं होगा, ये वर मैं दे रहा हूं। जो श्वेतवाहन नाम से मेरी पूजा करेगा वे सब ओर से भयभीत चित होने पर भी मेरी ही गति को प्राप्त होगा। जो मनुष्य और दुब्बर बाटमूल कपिथिक शिगाल वाटीय धर्मात्मा दृढ़व्रत एवं ब्रह्मवादी मुनियों का सदा विशेष रूप से पूजन करेंगे वे मनवांछित गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर के भगवान श्वेतवाहन महादेव उन सब के साथ रुद्रलोक में चले गए। मैं जम्बू मार्ग को जाऊंगा, मैं जम्बू मार्ग पर निवास करूंगा, इस तरह मन में संकल्प करने वाला मनुष्य भी रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में षटपुर वध विषयक 82वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत के खिल भागे तय शीतितमोध्याय ब्रह्मदत्त के यज्ञ में वसुदेव देवकी का आगमन। दैत्यों द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं का अपहरण और प्रद्युम्न द्वारा उनकी रक्षा। नारद जी के कहने से दैत्यों का क्षत्रिय नरेशों को अपने पक्ष में मिलाना तथा श्री कृष्ण का षटपुर में आगमन। शंपायन जी कहते हैं जन्मेजय इसी समय चारों वेदों और 6 अंगों के ज्ञाता एक ब्राह्मण जिनका नाम ब्रह्मदत्त था 1 वर्ष तक चालू रहने वाले यज्ञ की दीक्षा में दीक्षित हुए। ब्रह्मदत्त याज्ञवल्क्य के शिष्य धर्म संबंधी गुणों से संपन्न
तथा शुक्ल यजुर्वेद वाज स्नेह संहिता के अध्येता थे। उनका घर भी षटपुर में ही था। उन्होंने कभी बुद्धिमान वसुदेव जी का अश्वमेघ यज्ञ कराया था। वे मुनि सेवित श्रेष्ठ नदी आवत्य के पवित्र तट पर यज्ञ करते थे। श्रेष्ठ ब्रह्मदत्त महात्मा वसुदेव जी के सहपाठी सखा उपाध्याय और अधर्यो भी थे। प्रभु इसलिए जैसे इंद्र बृहस्पति के यहां जाते हैं उसी प्रकार देव की सीत वसुदेव जी वहां शतपुर में रह करके यज्ञ करने वाले ब्रह्मदत्त के यहां निमंत्रित होकर के गए थे। ब्रह्मदत्त का वह यज्ञ बहुत से अन्न और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न था। तीर्थता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ महात्मा उस यज्ञ का सेवन करते थे। वह यज्ञ बुद्धिमान वसुदेव जी के अनुरूप समृद्धि से युक्त था। उसमें मैं और मेरे गुरु व्यास जी याज्ञवल्क्य मुनि सुमंतु जयमणि धैर्यशील ज्याबाली तथा देवल आदि महर्षि भी उपस्थित थे। उसी यज्ञ में धर्मपरायण देवकी देवी जगत श्रेष्ठा भगवान वसुदेव के प्रभाव से इस पृथ्वी पर सबको मनवांछित पदार्थ दान करती थी। जब यज्ञ चलने लगा उस समय शतपुर में रहने वाले निकुंभ आदि दैत्य जो वर पाकर के घमंड में भरे रहते थे वहां आकर के ब्रह्मदत्त से बोले, हमारे लिए भी यज्ञ का भाग निकाला जाए। हम लोग इस यज्ञ में सोमरस का पान करेंगे। यजमान ब्रह्मदत्त हमें अपनी कन्याएं दे। हमने सुना है कि इन महात्मा के बहुत सी रूपवती कन्याएं हैं। उन सब को बुला करके सब प्रकार से हमारे लिए दान कर देना चाहिए। ब्रह्मदत्त जी हमें उत्तम उत्तम रत्न प्रदान करें, तभी ये यहां यज्ञ कर सकते हैं, अन्यथा इन्हें यज्ञ नहीं करना चाहिए। ये हम आज्ञा देते हैं। ये सुनकर के ब्रह्मदत्त ने उन बड़े बड़े असुरों से कहा, असुर शिरोमणियों, पुरातन वेद में असुरों के लिए यज्ञ भाग देने का विधान नहीं है। फिर मैं यज्ञ में आप लोगों को सोमरस कैसे दे सकता हूं? यहां वेद के विस्तृत अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ मुनि बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। मुझे अपनी जिन कन्याओं का दान करना था उनका मानसिक संकल्प मैंने कर दिया, वे दूसरों की को दी जा चुकी हैं। अब उन्हें अंतर्वेदी में योग्य वरों के हाथ में सौंप देना है। इसमें संशय नहीं है। आप रही रत्नों की बात, उन्हें मैं आप लोगों को तभी दूंगा जब आप सांत्वना पूर्वक बात करें। इस बात को आप अच्छी तरह सोच समझ लें। बलपूर्वक मांगने पर मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान देवकी नंदन को शरण की शरण ले चुका हूं, वे ही मेरी रक्षा करेंगे। ये उत्तर सुनकर के शतपुर में निवास करने वाले निकुंभ आदि पापी असुर रोष में भर गए। उन्होंने यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया और ब्रह्मदत्त को कन्याओं को हर लिया। यज्ञ मंडप में वह लूट मची दे करके वसुदेव ने महात्मा श्री कृष्ण बलदेव और गद का चिंतन किया। श्री कृष्ण को तो सब बात ज्ञात ही थी। उनने प्रद्युम्न से कहा, बेटा जाओ और माया द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं की शीघ्र रक्षा करो। प्रभु तब तक मैं यादव वीरों की सेना के साथ शतपुर को चल रहा हूं। महाबली काम स्वरूप वीर प्रद्युम्न पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे
वे तत्काल छठपुर की ओर चल दिए और पलक मारते मारते वहां पहुंच करके उन महाबली बुद्धिमान वीर ने उन कन्याओं का माया द्वारा अपहरण कर लिया। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने माया में दूसरी कन्याओं का निर्माण करके उन्हें असुरों के पास छोड़ दिया था। फिर उन धर्मात्मा ने अपने पिता में ही देवकी से कहा, दादी जी आप भय मत कीजिए, नरेश्वर ब्रह्मदत्त की पुत्रियां दैत्यों के लिए दुष्प्राप्य थी, वे माया में कन्याओं का ही अपहरण करके छठपुर में जा घुसे और अपनी सफलता पर संतुष्ट हुए। इधर शास्त्रीय विधि के अनुसार वहां यज्ञ कर्म का संपादन होने लगा। जो विशिष्ट एवं बहुगुण संपन्न कार्य था वह सब संपन्न हुआ। इसी बीच में वहां बहुत से राजा आए जिन्हें बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने पहले से ही यज्ञ में पधारने के लिए निमंत्रण दे रखा था। जरासंध, दंत वक्त्र, शिशुपाल, पांडव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, अपने गणों सहित मालव नरेश, रुक्मी, आहवृति, नील, धर्म, अवंती के विंद और अनुविंद, शल्य, शकुनी, दूसरे वीर नरेश, सुदृढ़ आयुध धारण करने वाले दूसरे महामनस्सी वीर नरेश वहां पे सब पधारे। भरत नंदन उन्हें छठपुर से थोड़ी ही दूर पर ठहराया गया। उन सबको वहां उपस्थित देख साधु महात्मा श्रीमान नारद जी ने सोचा, यहां यादवों तथा दूसरे क्षत्रियों में संघर्ष होगा, इस युद्ध में मैं ही कारण बनूंगा, अतः उसके लिए अभी से प्रयत्न आरंभ करता हूं। ऐसा सोच करके वे निकुंब के घर में गए। निकुंब तथा दूसरे दानवों ने वहां इनकी बड़ी आवभगत की। धर्मात्मा नारद जी वहां एक आसन पर बैठ करके निकुंब से इस प्रकार बोले, तुम लोग यादवों के साथ विरोध करके यहाँ कैसे निश्चिंत बैठे हुए हो? अरे भाई, जो ब्रह्मदत्त है वे ही श्री कृष्ण है, क्योंकि वे ब्रह्मदत्त उन श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के मित्र हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त के 500 भार्याएं हैं जिन्हें वे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना करके प्राप्त कर सके थे। उनकी स्त्रियों में 200 तो ब्राह्मणी थी, 100 क्षत्रिय कन्याएं, 100 वैश्य कन्याएं और 100 शूद्रों की कन्याएं थी। उन सब ने धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दुर्वासा की सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर के उन पुण्य कर्मा मुनि ने उन्हें वर दिया, राजन उन बुद्धिमान मुनि के वरदान से ब्रह्मदत्त की प्रत्येक स्त्री के एक एक पुत्र और एक कन्या हुई। उनकी वह सारी कन्याएं अनुपम रूप होती हैं। वीर असुर उनकी वे कन्याएं पतियों के साथ शयन करते समय प्रत्येक संगम के अवसर पर कुमारी कन्याओं के समान कमनीय हो जाती हैं। वे परम सुंदरी कन्याएं अपने शीर से सब प्रकार के फूलों की सुगंध प्रकट करती हैं, सदा युवावस्था में ही स्थित रहती हैं और सबकी सब पतिव्रताएं हैं। दैत्य कुमार वे सब अप्सराओं के समान गुणवती हैं और बुद्धिमान दुर्वासा के वरदान से संगीत और नृत्य के गुणों को प्रकट करना जानती। उनके सभी पुत्र रूप सौंदर्य से संपन्न और शास्त्रार्थ में कुशल हैं और क्रमशः सभी यथावत रूप से अपने अपने वर्ण धर्म में स्थित रहते हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने प्रायः उन सब कन्याओं का विवाह मुख्य मुख्य यदुवंशियों के साथ कर दिया।
केवल 100 शेष रह गई हैं जिन्हें तुम हर लाए हो। वेद, उनके लिए भी तुम्हें सत्ता यादों के साथ युद्ध करना होगा। अतः तुम अपनी सहायता के लिए युक्ति पूर्वक यहां आए हुए राजाओं को अपने पक्ष में कर लो। ब्रह्मदत्त की पुत्रियों के लिए उन महामनस्वी नरेशों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम उन्हें नाना प्रकार के रत्न भेंट करो। जो राजा यहां आए उन सबका आतिथ्य सत्कार करो। नारद जी के ऐसा कहने पर असुरों ने अत्यंत प्रसन्न होकर के वैसा ही किया। उन भक्त वत्सल नरेशों ने 500 कन्याएं और नाना प्रकार के रत्न पा करके उन्हें यथोचित रीति से आपस में बांट लिया। केवल पांचों पांडवों को छोड़ करके और सबने कन्याओं और रत्नों का भाग ग्रहण किया था। महात्मा नारद जी ने पलक मारते मारते वहां पहुंच करके वीर पांडवों को उनका भाग लेने से रोक लिया था। रत्न और कन्या पाकर के वे भूपति शिरोमणि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने असुरों से कहा, आप लोग समस्त मनवांछित भोगों से संपन्न तथा स्वयं आकाश में विचरने वाले हैं, तो भी आपने न्यायोचित रीति से हमारा सत्कार किया है। अतः बताइए, ये शक्ति समूह आप लोगों को क्या दे? आप जैसे दिव्य वीरों ने पहले पहले क्षत्रिय समाज का पूजन किया है। ये सुनकर के हर्ष में भरे हुए देववैरी निकम्ब ने क्षत्रियों के यथार्थ महात्म्य का बारंबार वर्णन करके उस समय उनसे इस प्रकार कहा, श्रेष्ठनेशो, हम अपने शत्रुओं के साथ ही युद्ध होने वाला है। हमारा अपने शत्रुओं के साथ युद्ध होने वाला है, उसमें आप लोग सब प्रकार से हमें सहायता प्रदान करें, यह हमारी इच्छा है। प्रभु, जिनके पाप क्षीण हो गए थे उन क्षत्रियों से वीर पांडवों को छोड़कर के अन्य सब ने एम अस्तु कहकर के उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पांडव नारद जी से सारी बात सुन चुके थे, इसलिए वे उनसे अलग रहे। वे सब क्षत्रिय युद्ध के लिए उद्यत हो वहीं डेरा डालकर डटे रहे। इधर ब्रह्मदत्त की पत्नियां यज्ञशाला में प्रविष्ट हुई और उधर से सेना सहित भगवान श्री कृष्ण भी छठपुर में आ पहुंचे। महादेव जी के वचन को मन ही मन स्मरण करके द्वारका में राजा उग्रसेन को बिठा करके भगवान श्री कृष्ण वहां आए थे। भगवान जनार्दन देव उस सेना के साथ आकर के छठपुर वासियों के हित की कामना से यज्ञ मंडप से थोड़ी ही दूरी पर उत्तम कल्याणमय प्रदेश में वसुदेव की आज्ञा से छावनी डाल करके ठहरे गए। श्रीमान भगवान श्री कृष्ण ने वहां विधि पूर्वक रक्षक सैनिकों के दल तैनात कर दिए, जिसके कारण किसी अवांछनीय व्यक्ति को उधर से आने के लिए मार्ग नहीं मिल पाता था। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र प्रद्युम्न को सब ओर से घूम फिर करके सेना की देखभाल करने के लिए नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में छठपुर व्रत के प्रसंग में श्री कृष्ण का छठपुर गमन विषय 83वां अध्याय पूर्ण हुआ।